जी हाँ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार पहले टेस्ट मुकाबले के पांचवें दिन रविचंद्रन अश्विन ने न्यूजीलैंड टीम के एक के बाद एक विकेट चटकाकर रच दिया ये बड़ा इतिहास। तो तोड़ा टेस्ट इतिहास का ऐसा सबसे बड़ा रिकॉर्ड जिसे जानने के बाद पूरा भारत देश क्या पूरी दुनिया ठोक रही है सलाम। तो दोस्तों जानेंगे कि आखिरकार रविचंद्रन अश्विन ने कौन सा वो बड़ा कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है और कैसे वो दुनिया के पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने इतिहास रचा है उसके बारे में। और वहीं दोस्तों यहाँ पर हम आपको क्रिकेट जगत से जुड़ी जो काफी कुछ बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं उनके बारे में बताएंगे। जैसे कि जो दूसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि मैदान पर जब गेंदबाजी करवा रहे थे रविचंद्रन अश्विन तो न्यूजीलैंड टीम के बल्लेबाज को दे डाली ऐसी चेतावनी और फिर अगली ही गेंद पर हुआ कुछ ऐसा आपको भी हैरान कर रख देगा। वहीं जो तीसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि बीसीसीआई ने रविचंद्रन अश्विन की शानदार गेंदबाजी को देखते हुए किया बड़ा ऐलान, अचानक से ही लिया ऐसा बड़ा फैसला जिसने पूरे भारत देश को खुश कर दिया। तो आप सभी इन तीनों ही खबरों को जानने के लिए बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों अगर आप भी भारतीय टीम के गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हो तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और दोस्तों आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है बस मात्र 500 लाइक्स का, तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक करना। और अगर आप भी हमारे चैनल आरएस न्यूज पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को भी जरूर दबाइएगा जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है जहां पर भारत ने दूसरी पारी में श्रेयस अय्यर और शाह की अर्धशतकीय पारी के दम पर 7 विकेट पर 234 रन बनाए और कप्तान अजिंक्य रहाणे ने पारी को घोषित कर दिया। तो वहीं दोस्तों इसके बाद भारत की दूसरी पारी में कुल बढ़त 283 की हो गई है और न्यूजीलैंड को जीतने के लिए 284 रनों की जरूरत थी। तो वहीं दोस्तों दूसरी पारी में चौथे दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड की टीम ने एक विकेट खोकर 4 रन बना लिए हैं और उसे चौथे दिन के मुकाबले के बाद यानी कि पांचवें दिन 280 रन बनाने की जरूरत थी। तो वहीं दोस्तों न्यूजीलैंड की तरफ से टॉम लेथम और विलियम समरविल क्रीज पर मौजूद थे। हालांकि दोस्तों इसी बीच हम आपको बताएं कि जब तीसरे दिन भारतीय टीम मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरी थी तो भारतीय टीम की तरफ से कोई भी बल्लेबाज उतना ज्यादा कुछ खास कमाल कर नहीं पा रहा था जिसकी हर किसी को उम्मीद थी। दरअसल यहाँ पर भारतीय बल्लेबाज एक के बाद एक अपने विकेट गंवाते चले जा रहे थे लेकिन फिर यहाँ पर पारी को संभाला श्रेयस अय्यर और रविचंद्रन अश्विन ने जहां पर इन दोनों ही बल्लेबाजों ने शानदार अर्धशतकीय साझेदारी पहले कंप्लीट करी और उसके बाद श्रेयस अय्यर ने 65 रन बनाए और रविचंद्रन अश्विन 32 रन बनाकर आउट हुए जिसके चलते यहां पर भारतीय टीम को जो मध्यम क्रम के बल्लेबाजों से उम्मीद थी वो तो यहां पर भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने कर दिखा दिया था। हालांकि फिर रिद्धिमान साह और अक्षर पटेल ने बाकी बची हुई कसर को पूरा किया और भारतीय टीम एक अच्छा लक्ष्य न्यूजीलैंड की टीम के सामने रख पाने में कामयाब हो सकी। हालांकि दोस्तों इसी बीच रविचंद्रन अश्विन ने एक बड़ा कीर्तिमान भी अपने नाम कर लिया। दरअसल दोस्तों हम आपको बता दें कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी विलियम्स का एक विकेट चटकाते से ही रविचंद्रन अश्विन ने टेस्ट क्रिकेट की 150 पारियों में 417 विकेट अपने हासिल कर लिए। हालांकि दोस्तों यही सेम आंकड़ा हरभजन सिंह का भी है। दरअसल हरभजन सिंह ने 190 इनिंग्स का सामना करते हुए 417 विकेट हासिल किए थे और ऐसे में रविचंद्रन अश्विन आज पांचवें दिन अगर एक विकेट और चटका देते हैं तो वो महान दिग्गज स्पिनर खिलाड़ी हरभजन सिंह के 417 विकेट चटकाने के रिकॉर्ड को तोड़ देंगे। और वहीं दोस्तों आप सभी यहां पर लिस्ट में देख सकते हो कि रविचंद्रन अश्विन अभी 417 विकेट लेने के साथ में हरभजन सिंह के साथ इस लिस्ट में बराबरी पर हैं लेकिन एक विकेट पांचवें दिन चटकाते से ही रविचंद्रन अश्विन ये बड़ा ही कीर्तिमान अपने नाम कर लेंगे। हालांकि दोस्तों उनसे पहले ये कीर्तिमान नाम करने वाले कुछ ही चंद खिलाड़ी हुए हैं जहां पर रविचंद्रन अश्विन एक के बाद एक हर एक खिलाड़ी को पीछे करने का अब दमखम रखते हैं और आगे आने वाले सालों में हो सकता है कि रविचंद्रन अश्विन हम सभी को टॉप के स्थानों पर जाते हुए दिखाई दे। तो ऐसे में दोस्तों यहां पर अश्विन के लिए काफी बड़ी खुशखबरी होगी अगर वो हरभजन सिंह का ये रिकॉर्ड तोड़ेंगे। तो बाकी दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि पांचवें दिन हरभजन सिंह का रिकॉर्ड रविचंद्रन अश्विन तोड़ पाएंगे या फिर नहीं, आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है 6 पारियों में ही 5 बार पारी में 5 विकेट हासिल किए थे। तो वहीं दोस्तों बात करें अगर अगले रिकॉर्ड की, जो अगला रिकॉर्ड अक्षर पटेल ने बनाया वो ये है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाजे से सबसे ज्यादा रूप से पहले नंबर पर पहुंच गए जहां पर उनके अलावा न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज काइल जेमिसन ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अब तक 5 बार पारी में 5 विकेट चटकाए हैं। लेकिन दोस्तों अब अक्षर पटेल इस मामले में उनको भी पछाड़ चुके हैं। तो ऐसे में दोस्तों यहां पर अक्षर पटेल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार गेंदबाजी कराई। अक्षर पटेल की शानदार गेंदबाजी के बारे में और आप उनकी गेंदबाजी को देखकर 10 में से उन्हें कितने अंक देना चाहोगे, आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत और न्यूजीलैंड के टीम के बीच में मुकाबला अब दिन प्रतिदिन और भी
ज्यादा रोमांचक होता चला जा रहा है, जहां पर भारतीय टीम जैसे जैसे इस टेस्ट मुकाबले में दिन बढ़ते चले जा रहे हैं वैसे वैसे अपने प्रदर्शन में निखार लाती चली जा रही है। जी हां, हम आपको बताएं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच में पहले टेस्ट मुकाबले का चौथा दिन काफी ज्यादा रोमांचक रहा, जहां पर एक समय ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड टीम के गेंदबाज भारतीय टीम को ऑल आउट कर इस मैच को अपने नाम कर सकते हैं, लेकिन फिर भारतीय बल्लेबाजों ने अपना वो रंग रूप दिखाया जिसके लिए वो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। जी हां दोस्तों, इस मैच को पलटने में भारतीय बल्लेबाजों ने एक भी पल का समय नहीं लगाया, जहां पर पूरी तरह से ये मैच पलटता हुआ हम सभी को दिखाई दिया। दरअसल दोस्तों, हम आपको बता दें कि चौथे दिन के मुकाबले के दौरान मयंक अग्रवाल और चेतेश्वर पुजारा मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए 14 रन से आगे खेलने के लिए आए, विकेट गंवाते चले जा रहे थे, जहां पर कप्तान अजिंक्य रहाणे का एक बार फिर से फ्लॉप शो जारी रहा, जहां पर वो मात्र 4 रन बनाकर ही आउट हुए। तो वहीं श्रेयस अय्यर ने बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए 125 गेंदों में 65 रन बनाए। तो वहीं रविंद्र जडेजा का बल्ला भी नहीं चला, वो 2 गेंदों का सामना करते हुए टीम साउथी की गेंद पर LBW आउट हुए और उनका विकेट 20वें ओवर की चौथी गेंद पर गिर गया था। हालांकि दोस्तों, 5 विकेट गिर जाने के बाद श्रेयस अय्यर और रविचंद्रन अश्विन ने भारतीय टीम को बढ़त हासिल करवाई, जहां पर रविचंद्रन अश्विन ने 32 रन की पारी खेली। तो चाय काल से पहले श्रेयस अय्यर और रविचंद्रन अश्विन के आउट होने के बाद मैदान पर उतरे रिद्धिमान साह और अक्षर पटेल, जहां पर रिद्धिमान साह ने 126 गेंदों में 61 रनों की पारी खेली और वहीं अक्षर पटेल ने 28 रन बनाए। और इन दोनों की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत भारतीय टीम 7 विकेट के नुकसान पर 234 रन बना सकी। और विलियंग मैदान पर उतरे, जहां पर विलियंग का विकेट रविचंद्रन अश्विन ने 3 ओवर की 6 गेंद पर चटकाया, जहां पर विलियंग इस मुकाबले में 6 गेंदों में मात्र 2 रन बनाकर आउट हुए और उनको LBW आउट अश्विन ने किया। और वहीं अभी तक चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक टॉम लेथम और विल समरविल मैदान पर अभी भी टिके हुए। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, भारत में 21 ओवर बैटिंग कर रहे रिद्धिमान साहा ने जीता दिल, 50 ठोककर बनाया अनोखा रिकॉर्ड। जी दोस्तों, भारतीय बल्लेबाज रिद्धिमान साहा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ कानपुर में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच की दूसरी पारी में शानदार अर्धशतक जड़कर इतिहास रच दिया, जहां पर साहा ने 126 गेंदों में कुल 21 ओवर खेले। और वहीं दोस्तों, रिद्धिमान साहा ने इस मुकाबले में एक बड़ा कीर्तिमान भी अपने नाम किया। दरअसल दोस्तों, विकेटकीपर के तौर पर साहा टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए टेस्ट में अर्धशतक जड़ने वाले सबसे उम्रदराज विकेटकीपर बन गए हैं, जहां पर उन्होंने 37 साल 35 दिन की उम्र में अपने करियर का 6 अर्धशतक जड़ा। तो वहीं इस मामले में उन्होंने पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज फारूक इंजीनियर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मानी का नाम आता है 4 नंबर पर नाना जोशी और 5 नंबर पर महेंद्र सिंह धोनी इस लिस्ट में शामिल हैं। तो ऐसे में दोस्तों, ये रिकॉर्ड रिद्धिमान साहा ने तोड़ा, बाकी अब आपकी क्या राय इनके रिकॉर्ड के बारे में, आप अपनी गिनती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर जानकारी अच्छी लगती है तो जानकारी को लाइक कीजिएगा और साथ में RS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाइएगा, ताकि आप भी क्रिकेट की तमाम जानकारियों से अपडेटेड रह सकें।